बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉफिट रिपोर्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसके अंदर आपका दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं और वो मैंने आपको बताया था, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट पर यूनिट का जो चार्ट है उसमें जो है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, तो ये आपके पास प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बन जाता है। फिर इसमें हम ऐड करते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, यानी कि पूरी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हो, उसको हम कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब करवाते हैं। और जब हम तमाम कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो कॉस्ट पर यूनिट का आता है। ऑन द अदर हैंड, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ एक पॉइंट के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाकी पूरी कॉस्ट पर यूनिट जो है एज इट इज रहती है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बन गया। और इसमें सिर्फ जो प्रोडक्शन ओवरहेड की जो वेरिएबल आइटम्स हैं जो कि वेरी करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन और ओवरहेड पर यूनिट को हम कॉस्ट पर यूनिट के चार्ट में इंक्लूड करते हैं। हम कॉस्ट पर यूनिट के चार्ट में इसको इंक्लूड करते हैं। आज जो है हम इससे आगे मज़ीद बात करेंगे बच्चों, और वो ये करेंगे कि दोनों की इनकम स्टेटमेंट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, तो आपने सेल्स में से सबसे पहले माइनस करा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपके जो फॉर्मूला है वो आपने ओपनिंग स्टॉक लिया, और डेफिनेटली जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उनको आप कॉस्ट पर यूनिट जो आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकाला होगा उससे हम जो है प्रीवलिंग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यूनिट्स जो प्रोड्यूस करे आपने ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग द मंथ उसको ऐड कर देंगे, तो गुड्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन आ जाएगा। उसमें से आप लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक को, सब में आप कॉस्ट पर यूनिट का जो अमाउंट है वो आप कॉस्ट पर यूनिट जो हमने अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकाला था उसको आप इंक्लूड करेंगे। तो जब ये आप माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, और उसको जब सेल्स में से माइनस करोगे तो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम जो है सेल्स देंगे। सेल्स में से सबसे पहला फर्क जो है वो ये है कि इधर हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, इधर लिखा था हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे बड़ा फर्क यह है कि बच्चों, इधर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में, इसमें हम पूरी की पूरी कॉस्ट को कॉस्ट पर यूनिट में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट पर ऑफ प्रोडक्शन लिखने की वजह यह है कि इसमें जितने भी आइटम्स हैं जो कॉस्ट पर यूनिट में हैं वो सारे वेरी करते हैं, चेंज होते हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट, और इसके साथ साथ प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, यानी जितने भी कॉस्ट को हमने कॉस्ट पर यूनिट में जो एब्जॉर्ब करवाया है वो सारे वेरिएबल आइटम्स हैं, वेरिएबल नेचर के हैं। तो इसलिए इधर जो है हेडिंग हमने मार्क करी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसके अंदर फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती है। अब हमें ये देखना है कि जो ओपनिंग स्टॉक को आप जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से जो कॉस्ट पर यूनिट आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, उसमें यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ऐड करोगे तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा, फॉर प्रोडक्शन आ जाएगा, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपके पास ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। जब आप सेल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करते हो तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। वो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन का हो, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का हो, वो कहलाता है। और इसमें से फिर हम जो है फिक्स कॉस्ट जो कि पूरे पीरियड की एज अ होल माइनस करेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट को हमने एब्जॉर्ब नहीं करवाया था। मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हुए हमने फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करवाया था, इधर हम जो है पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट को एज अ होल माइनस करेंगे और इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आएगा। यानी आपके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क यह है
केस में जो फिक्स कॉस्ट है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, हम पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट को एज अ होल माइनस करेंगे, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट लॉस में जो आंसर आएगा दैट इज़ प्रॉफिट। यानी कि सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो पहले प्रॉफिट का नाम कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन के बाद आप जब फिक्स कॉस्ट को एज अ होल माइनस करोगे तो फिर आपके पास वो प्रॉफिट आएगा। होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।